ठीक है, रेडी है? ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो आज हम कौन सा टेंस पढ़ने वाले हैं, कौन सा? सिंपल प्रेजेंट टेंस, जो कि प्रेजेंट टेंस का पहला टेंस होता है, सिंपल प्रेजेंट। जैसे कि इसका नाम थोड़ा सिंपल है, बट इतना भी सिंपल नहीं है, पर इसी के लिए मैं यहाँ पर हूँ। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, बट मैं कर दूँगा इजी। तो मेरे दो तीन सवाल पूछूँगा तुम लोग से अभी, मैं तुम्हें जवाब देना, ठीक है? अच्छा, अगर तुम्हारा कोई रिलेटिव तुमसे पूछे अर्श कि तुम क्या करते हो, क्या जवाब दोगे? हाँ, तुम बोलोगे मैं इंस्टीट्यूट में पढ़ता हूँ, या शॉर्ट में बोल दें मैं इंस्टीट्यूट में पढ़ता हूँ, मैं यहाँ लिखने वाला हूँ तुम लोगों के आंसर। मैं पढ़ता हूँ, इतना लिख दूँ? मैं पढ़ता हूँ, मुझे भी तुम लोगों को पूछेगा तुम भी यही बोलोगे आंसर, मैं पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ। अच्छा, तुम नीतिका कितने बजे उठते हो? 7 बजे। चलो हम लिख देते हैं नीतिका 7, यहाँ पर मैं पॉइंट डाल देता हूँ 1, 2, 7 बजे सोती है कि उड़ती है? हाँ, उड़ती है, उड़ती है। अच्छा, मुस्कान से भी एक सवाल पूछ लेते हैं। मुस्कान, तुम कितने बजे सोते हो? 10 बजे। मुस्कान 10 बजे, मैं भी कल 10 बजे सोया था, सोती है। अच्छा, करण से सवाल पूछ लेते हैं। करण, तुम सैर करते हो या तुम कुछ खेलते हो? कुछ भी नहीं खेलते हो तुम? क्रिकेट खेलते हो। अर्श क्या करता है बोलो? अर्श क्रिकेट खेलता है। अब ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। 4 सेंटेंसेस लिखे राइट मैंने, मैं पढ़ता हूँ, नीतिका 7 बजे उठती है, मुस्कान 10 बजे सोती है, अर्श क्रिकेट खेलता है। एक अपना भी डाल देता हूँ, मैं क्या करता हूँ? हाँ, मैं क्या पढ़ाता हूँ? इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, पढ़ाता हूँ। अच्छा, पहले 4 सेंटेंसेस देखो, मैं पढ़ता हूँ, नीतिका 7 बजे उड़ती है, मुस्कान 10 बजे सोती है, अर्श क्रिकेट खेलता है। तुम लोगों को कुछ चीज़ में कॉमन दिख रहा है? कुछ कॉमन, कुछ सिमिलर, रलता मिलता क्या? हाँ, एक शब्द तो हूँ है, इतना जैसे पता चल गया ये प्रेजेंट की बात है, ये हमें पता है। एक और चीज़ क्या है, अभी तुमने बोला भी अर्श ने, क्या बोला? नहीं, पढ़ता हूँ, सभी में कॉमन कुछ देखोगे तो ये सभी जो एक्शन है, पहले देखो इनमें एक्शन क्या है, इसका एक्शन क्या है? मैं का पढ़ता, स्टडी। नीतिका का उठती, वेकअप राइट, उठने का वेकअप बोलेंगे। मुस्कान का एक्शन सोना, स्लीप। अर्श का एक्शन खेलना, प्ले। और मेरा एक्शन पढ़ाना, पढ़ाने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? टीचिंग। अब सभी एक्शन में एक चीज़ कॉमन देखना, स्टडी मतलब पढ़ता, उठता, सोना, खेलना और पढ़ाना, ये सभी एक्शन एक बार होते हैं कि बार बार होते हैं? एक बार होते हैं, बार बार होते हैं। देव सर क्या एक बार ही ज़िंदगी में पढ़ाते हैं? क्या तुम ज़िंदगी में एक बार ही 7 बजे उठते हो? जब तुमने बोला कि मैं पढ़ता हूँ, इसका मतलब है कि मैं आज भी पढ़ता हूँ, कल भी पढ़ूंगा, उसके बाद भी पढ़ूंगा, इस वे से बोलते हो। हाँ, मतलब तुम लोगों की ये रूटीन है तुम्हारा, डेली कह सकते हो डेली पार्ट है तुम्हारा लाइफ का। जब मैं बोलता हूँ मैं पढ़ाता हूँ तो ये क्या मतलब, एक बार ही पढ़ाता हूँ? मैं पढ़ाता हूँ मतलब मेरे ज़िंदगी का मतलब कह सकते हो ये डेली रूटीन है, बार बार करने वाली चीज़ है। अच्छा, जब कोई किसी को कोई बार बार करने वाली चीज़ होती है, किसी को कोई आदत है, आदत को क्या बोलते हैं? हैबिट। यही मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जो इसका यूज़ है ना, पहला यूज़ वो है हैबिचुअल एक्शन बताना। हैबिचुअल मतलब हैबिट वाले एक्शन। हैबिचुअल एक्शन अगर नहीं पता लगा अभी भी, सिंपल है, जो एक्शन बार बार होते हैं, क्या बोला मैंने? बार बार होते हैं। हैबिट से समझ आना चाहिए तुम्हें वर्ड, हैबिट मतलब बार बार। अब जब हैबिट बोलता तो ये मत समझ लेना कि वही वाले एक्शन जो तुम फ्री टाइम में करते हो जब तुम वेले होते हो। पहले माइंड में यही आता है कि अगर कोई वीडियो गेम खेलता है या कोई जुआरी है, जुआ खेलता है,
एक ये हैबिट हो गई या एडिक्शन हो गई, सिर्फ वहाँ पर ही हैबिट वाला वर्ड हमारा नहीं खत्म होता जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हैबिचुअल एक्शन मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जो तुम अपने फ्री टाइम में वेले टाइम में करते हो, जैसे कोई वीडियो गेम खेलता अभी मैंने बोला, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई गाने सुनता है, कोई किताब पढ़ता है, ये होते एक से ज़्यादा बार ही है ये भी हैबिट है। पर जब मैं हैबिचुअल एक्शन बोलता हूँ तो सिर्फ मैं आदतों पर नहीं मुकता, जो वाली जो आप फ्री टाइम में करते हो, कोई भी आदत, आदत मतलब जो एक से ज़्यादा बार आप रिपीटेडली करते हो, रिपीटेडली मतलब ना पता ना, बार 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 बार, हो सकता है डेली डेली, हो सकता है वीकली। अगर कोई बोलता है मैं हर सोमवार मंदिर जाती हूँ या गुरुद्वारा आ जाती हूँ कोई भी धर्म का है, तो वो हैबिचुअल एक्शन में आएगा कि नहीं आएगा? हर सोमवार, हर दिन नहीं जाती वो, हर सोमवार आएगा कि नहीं? कर आएगा, क्यों आएगा? हर एक सोमवार जाती है, रिपीटेडली हो रहा है, रिपीट पता है ना, बार बार बार। अगर मैं दो बार, अगर मैं बोलूँ मेरा नाम देव है, मेरा नाम देव है, मेरा नाम देव है, तो क्या हो रहा है? ये रिपीटेडली हो रहा है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ। आया समझ? तो जो एक्शन आप रिपीटेडली करते हो प्रेजेंट में, आप बोलते हो कि मैं करता हूँ, मतलब अगर मैं बोलता हूँ मैं सच बोलता हूँ, तो मैंने क्या अभी सच बोला? सिर्फ जब मैं बोलता हूँ मैं सच बोलता हूँ तो वो हैबिचुअल एक्शन में आता है? तुम बताओ, आता है, क्योंकि बार बार होगा। ये वो झूठ बोलती है तो एक बार ही बोला उसने, जब मैं बोलता बोलती है तो मैंने बोला उसने कितने बार बोला है झूठ। आया समझ? मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ, अब मैंने छोड़ दिया, महीना हो गया मुझे, तो मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ। अब मेरा बताओ ये हैबिचुअल एक्शन है कि नहीं? है, क्योंकि ये चीज़ मैं बार बार नहीं करता हूँ, नेगेटिव में बोल दिया इस बार। क्लियर हो रहा है थोड़ा बहुत? जो एक्शन हैबिचुअल एक्शन, ये सभी हैबिचुअल एक्शन है। मैं पढ़ता हूँ, रिपीटेडली होता है। मैं 7 बजे उठती हूँ, कल भी 7 बजे उठी थी, चल आगे पीछे थोड़ा पता हो जाता होगा, बट एवरेज उसका यही है 7 बजे। उसका भी उस पर थोड़ा मुझे किए नहीं मुस्कान पे चलो फिर भी मान लेते मुस्कान 10 बजे से होती है। ये एक बार होता है कि रिपीटेडली? रिपीटेडली मतलब हैबिचुअल एक्शन है। और वो क्रिकेट खेलता है आज, ये एक बार होगा या रिपीटेडली? और ये देव सर भी रिपीटेडली पढ़ाते हैं, आज भी, कल भी, परसों भी, ज़रूरी नहीं कल संडे को तो नहीं पढ़ाते, बट पता है कि बार बार होता है। सो बार बार बार, और ज़रूरी नहीं कि डेली हो, वीकली भी हो सकता है, मंथली भी। आप बोलो मैं हर महीने दिल्ली जाती हूँ, अब मुझे नहीं पता क्या रीज़न है, आप दिल्ली जाते हो हर महीना, ये हैबिचुअल एक्शन है कि नहीं? हैबिचुअल एक्शन। एक यूज़ हो गया कि जो चीज़ आप बार बार करते हो प्रेजेंट में, वो डेली भी हो सकता है, वीकली भी हो सकता है, पर बार बार। आपको समझ आ गया इतना? हाँ जी, ईयर भी हो सकता है। आप बोलोगे मैं हर सालाना कुछ करता हूँ, कुछ भी हो सकता, हर सालाना लंगर रखवाते हो सकता है ना? हाँ हाँ, मैं हर साल केक काटता हूँ, ठीक है, ये भी मैं हर साल लंगर रखवाता हूँ, अगर ऐसे बोल दूँ तो ये क्या हैबिचुअल एक्शन है कि नहीं? है। तो मैंने इतना क्लियर कर दिया। हाँ, तू कौन सा टूर्नामेंट करा रहा है? चलो ठीक है, वो भी इसमें आ गया, मैं हर साल टूर्नामेंट कराता हूँ, वो भी इसमें आ गया। बस मैं इतना क्लियर कर दिया, जब हैबिट बोलता हूँ तो सिर्फ वो वाली चीज़ें नहीं हैं जो आप वेले टाइम में करोगे, फ्री टाइम में, जो चीज़ बार बार। अब मेरा जो काम है वो भी हैबिचुअल एक्शन में है, वो मैं वेले टाइम करता हूँ, पढ़ाता हूँ क्या? ये तो मेरा काम है। तुम वेले टाइम पढ़ते हो, तुम्हारा कोई पता नहीं है, वेले टाइम ही पढ़ते हो तुम। तो हैबिचुअल एक्शन क्लियर हो गया। एक ये यूज़ है, एक और यूज़ है, अभी मैं क्लियर करूँगा, ठीक है, ये रेस कर दूँ। तुम्हें इतना पता लग गया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को हैबिचुअल एक्शन बताने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा एक और यूज़ है, ये रेस कर दूँ, तुम मेरे लिए लिख लो नोटबुक पर, ये हम ट्रांसलेट करेंगे बाद में। किसने लिखा है? किसी ने नहीं लिखा है, देख लो, जल्दी जल्दी लिखो, नहीं तो फ़ोटो खींच लो फ़ोन में, है किसी के पास? अच्छा ठीक है, किसी का फ़ोन नहीं है, फ़ोटो खींच लेते, फोटो खींच लो। तो जब मैं आगे जाके करवाऊँगा तो मुझे बता देना, मैं इनको ट्रांसलेट करूँगा। इतना टाइम अभी तुम्हें मैसेज आया इंस्टाग्राम पे, बोलता था तो एक मिनट में खोल लेते, फ़ोटो खींचने का बोला था, इतना टाइम, जल्दी कर, नहीं आ रही है, खड़े होके खींच लो, लिख लिया है। अब जब मैं आगे जाके तुम्हें पढ़ाऊँगा कि कैसे बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो हम इन सभी को ट्रांसलेट भी करेंगे आगे जाके, ठीक है? तुम मुझे बोलोगे सर इसको ट्रांसलेट करो, इसको ट्रांसलेट करो। क्लियर इतना? जिन्होंने नहीं लिखा कोई बात नहीं, जब वो करवाएगा, उसने फ़ोटो खींच ली और नीतिका ने भी लिखी ली है, तो
तब पता लग जाएगा तुम लोग। मैं रेज करने लगा हूँ, ओके आगे जब हम करवाएंगे पता लग जाएगा तुम्हें, रिपीट होगा, टेंशन मत लो। अब एक यूज़ तो मैंने बता दिया तुम्हें, दो यूज़ है मेन, यूज़ बहुत है पर मैं तुम्हें वो नहीं करूँगा, डिफिकल्ट नहीं करूँगा, बस दो चीज़ पता होनी चाहिए। एक तुम्हें पता लग गया कि इसे क्यों यूज़ करते हैं, हैबिचुअल एक्शन बताने के लिए। अब मेरा एक सवाल है फिर से तुमसे, सूरज कहाँ से निकलता है, पश्चिम से, पूरब से, किधर से, किसी को पता? पूरब से। सूरज कहाँ से निकलता है? पूरब से। मैं ये भी बोल सकता हूँ सूरज पूरब से उगता है, बोलते हैं ना उगता है। अब ये हो गया। अब मेरे को और सवाल है, जो मछली है पानी में क्या करती है? जोर से बोलो, तैरती है। मछली पानी में, मछली पानी में कैसे था, मछली रानी है, जीवन उसका पानी है, मच जाएगी। हाँ, अर्श के हाथ लग गया तो फ्राई हो जाएगी। मछली पानी में क्या करती है, दौड़ लगाती है, उड़ती है, क्या करती है मछली पानी में? तैरती है। तो मैंने क्या बोला था, तुम सुनते नहीं हो। अच्छा, जो पंछी हैं हवा में क्या करते हैं? उड़ते हैं, सही बोला। पंछी हवा में उड़ते हैं, सही कहा। अच्छा, कुत्ता क्या करता है? म्याऊ तो नहीं करता है कुत्ता? तुम्हारा ही, अच्छा मेरा भी तो काट गया सच, मैं बोलने लगा था कि तुम्हारा ही काटता है, बट फिर मुझे अपनी केस याद आ गया, पता लगा क्या कहा मैंने। आज इंजेक्शन लगेगा मेरा एक और, मैं और करने जाएंगे आज हॉस्पिटल, लास्ट डोज है, फिर नहीं लगेगा वहाँ पर। सब तुम्हारा भी काट गया कि अच्छा चलो ठीक है। अब देखो, पहले लिख लो कोई, अगर लिख रहा है तो जो फोटो ले लो इसकी, इसको भी हम ट्रांसलेट करेंगे आगे, पर पहले देख लो मैं क्या बोलने लगा हूँ। पिछली बार तुम्हें जैसे एग्जांपल है ना, वैसे इस एग्जांपल में भी कुछ कॉमन है, ध्यान से देखो, कुछ कॉमन दिख रहा है तो ठीक है प्रेजेंट में, ये कॉमन है वो भी उड़ता है, वो भी उड़ता है, ध्यान से देखो, ये सब सच है, फैक्ट है, फैक्ट पता ना? नहीं नहीं, हैबिट तो हो गया, फैक्ट पता ना? हमारे 32 दांत होते हैं, ये क्या है, फैक्ट है। बत्तीस बच्चे, वो उसको सुन रहा है, बच्चे सात होते हैं, अभी तो शादी भी नहीं हुई सात बच्चे करवा दिए, सात बच्चे नहीं 32 दांत होते हैं, ठीक है। ये क्या है, एक फैक्ट है। जब मैंने बोला सूरज पूरब से उगता है, तो सबके लिए सूरज से पूरब से उगता है, कोई ये तो नहीं बोलेगा कि उसके लिए कुछ और फैक्ट है, मेरे लिए कोई और फैक्ट है, एक ही है, ट्रूथ था, एक ऐसे तो सच है, सत्य वचन। हाँ सुन लो दोनों, जो सूरज पूरब से उगता है एक फैक्ट है, एक सच है, सच कहते हैं ना, ये तो सत्य है, वो कह सकते हो। वैसे ही मछली पानी में तैरती है, कि तुमने कुछ और देखा है कि मैंने कुछ और देखा है, सबके लिए सच है। जब मैंने तुम्हें पूछा वो क्या करती है, तुमने भी वही आंसर दिया जो मैंने दिमाग में सोचा था, क्योंकि मुझे पता सच है, तुम भी वही बोलोगे जो मैं सोच रहा हूँ। कुत्ता भोंकता, अब किसी का कुत्ता भोंकता है, किसी का म्याऊं तो नहीं करता है, तुम्हें भी बताइए, ये सच है, मेरा कुत्ता भी भोंकता है, उसका कुत्ता भी भोंकता है, उसका कुत्ता मुझे नहीं पता, उसका कुत्ता भी भोंकता ही है, हो समझ आ रहा है कुछ, ये सब क्या है, सच है, और सच को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ट्रूथ। जब तुम्हें कोई जनरल ट्रूथ बताना हो, आमतौर पर जिसे सच माना जाता है, या फिर कोई फैक्ट बताना है, ये सभी फैक्ट ही है एक हिसाब से, तुम्हें भी पता है। अब मैं बोलूँ कुत्ते का बच्चा कुत्ता होगा, ये सच है कि झूठ है? सच है, फैक्ट है ये, कुछ और तो नहीं निकलेगा, हो सकता है क्या इंसान का बच्चा इंसान होगा या कुछ और होगा? इंसान ही होगा ना, तो ये फैक्ट है सभी, ऐसे ऐसे कोई फैक्ट बताते नहीं है। वो अच्छा था ना 32 दांत वाला, तुमने तो सात बच्चे कर दिए थे, करने तो सात बच्चे कर दिए 32 दांत का, मैंने बोला 32 दांत होते हैं इंसान के, कहते सात बच्चे होते हैं,
इतने दसके भी नहीं निकलते इतने दसके भी नहीं होते होंगे शायद। हमारे वाले ने 5 दिए थे एक साथ। चलो, जब तुम्हें हैबिचुअल एक्शन बताना हो, जैसे कि मैं ये करता हूँ, मैं रोज़ सैर करती हूँ, मैं गाना सुनती हूँ, मैं कुछ भी करती हूँ या मैं करता हूँ, वो हो गया हैबिचुअल एक्शन। या फिर तुम्हें ऐसे कुछ सच बताने हैं, जैसे कि सूरज की नहीं, सूरज की तरफ घूमता है या, अच्छा मुझे बताओ, किसी को पता है सूरज धरती की ओर घूमता है या सूरज की ओर धरती घूमती है? हाँ, तो ये क्या झूठ है कि सच है? ये इसमें आ सकता है, आ सकता इसमें कि इसमें नीचे वाले में, राइट? क्योंकि ये फैक्ट है, ट्रूथ है, आमतौर पर इसे सच माना जाता है। अगर मैं बोलूँ जिसको मैं छोड़ दूंगा तो नीचे गिर जाएगा, ये ट्रूथ है या झूठ है? ट्रूथ है, तो ये भी इसमें आ गया। जब तुम्हें बताना है कि मैं कोई हैबिचुअल एक्शन बार बार कोई चीज़ रिपीटेडली करती हूँ या मैं करता हूँ, कोई भी करता है, ये एक हो गया एक चीज़। और दूसरा कुछ सच बताना है कि जैसे हम आगे जाके इसको ट्रांसलेट करेंगे कि सूरज पूरब से उगता है, तो ऐसी बातों को तुम्हें सच को बताना इन इंग्लिश एक्सप्रेस करना है, तब तुम्हें यूज़ करना पड़ेगा क्या? हाँ ये क्या सिंपल, जोर से बोलो ना, मुझे नहीं सुना। सिंपल क्या खा के नहीं आया रोटी आज? सिंपल प्रेजेंट टेंस कब बताना होता है? मैं फिर से रिपीट लास्ट टाइम करूँगा, क्योंकि ये ज़रूरी है, ये इतना ज़रूरी है कि मैं दोबारा बोलूँगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस के 2 मेन यूज़ है, वैसे ज़्यादा है, पर 2 मेन यूज़ है, एक हैबिचुअल एक्शन बताना और एक जनरल ट्रूथ और फैक्ट, या इतना बोलो जो चीज़ बार बार होती है और जो चीज़ सच है। वैसे दोनों काफ़ी हद तक सिमिलर ही हैं, बट थोड़ा डिफरेंस भी है। जो चीज़ बार बार होती है और जो सच है, वैसे काफ़ी एक जैसी ही हैं ऑब्वियसली। हाँ जी ठीक है, मैं देख ली चाय पी लूँगा आज। ओके क्लियर है इतना? तो मैं इसको भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं, मुझे पता तुम्हारे लिए ये भी बड़े बड़े शब्द हैं, भारी भारी, गिर जाओगे नीचे आगे। बस इतना याद कर लेना, जो चीज़ प्रेजेंट में करते हो, मतलब आज भी कल भी बार बार, और या फिर कोई सच है, सत्य वचन, उसको बताने के लिए फैक्ट को आप यूज़ करोगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इतना क्लियर है क्यों यूज़ करते हैं? ठीक है, अब हम थोड़ी देर में सीखने वाले हैं इसको कैसे यूज़ करते हैं, कि बनाना कैसे है। मुझे बोलना है कि मैं पढ़ता हूँ, मैं कैसे बोलूँ? वह 7 बजे उठती है, कैसे बोलूँ? वह 10 बजे सोती है, कैसे बोलूँ? या फिर सूरज पूरब से उगता, कैसे बनाएं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, वो कैसे करेंगे आप थोड़ी देर में बताने लगा। अब ध्यान से देखना, ये मेन चीज़ है। हाँ जी गलत, वो तो फ्यूचर में हो गया। आई विल स्टडी, आई विल स्टडी किस में आया, प्रेजेंट में या फ्यूचर में? फ्यूचर में आया या प्रेजेंट? आई विल स्टडी उसने बोला, वो तो हो गया ना, मैं पढ़ूंगा, वो कैसे हैबिचुअल एक्शन? वो तो मैंने बोला फ्यूचर में एक बार करूंगा, मैंने ये नहीं बोला मैं करूंगा करता हूँ। समझ आ रहा है कुछ? हाँ जी कि नहीं? हाँ जी, बहुत महंगा हो गया ना, हाँ कहना, थोड़ा थोड़ा शेयर कर रहे हो, ठीक है। अब देख लो यूज़, ये रेज कर दूँ, ये भी अब तुम्हें पता लग गया क्यों यूज़ करते हैं, मैंने एग्जांपल भी दे दिया, आगे जाके ट्रांसलेट भी करूँगा। अब इसका रूल देख लो कि इसको है, छोटा सा रूल है छोटा सा पर छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, ये वैसे वाला सीन है इसका, है छोटा सा रूल है पर छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। रूल देख लो, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ रूल इसका, यूज़ पता लग गया। अब रूल कैसे है, पहले हमेशा की तरह तुम सब्जेक्ट लगाओगे, सब्जेक्ट तो पता ही है तुम्हें, मैं, वह, जैसे नीति का, अर्श, जो एक्शन करता है वो सब्जेक्ट है हमारा। मैं की इंग्लिश क्या होगी? आई। नीति का की इंग्लिश? अरे नीति का ही होगी ना उसके बाद वर्ग की इस पर 2 फॉर्म लगेगी, एक नहीं 2। पहला वर्ब 1, ये तुम्हें ऑलरेडी पता है, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म नहीं, वर्ग की 4th फॉर्म। अब तुमने ये कभी सुना नहीं होगा, ये मेरी ही याद है वैसे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म, 4th फॉर्म, 4th फॉर्म, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। हाँ जी, काफ़ी हद तक तुम्हें सब चीज़ें पता है क्या होती हैं, सब्जेक्ट जो एक्शन कर, 4th वाला ओके, अभी बताऊंगा, अभी सूखा लगेगा, इजी लगेगा, क्योंकि मैं किस लिए हूँ फिर, तुम्हारा काम आसान करने के लिए तो आया हूँ मैं। सब्जेक्ट
इधर देख लो, नोट्स बाद में बना लेंगे। नोट्स तो बना लोगे, देवस्थल हमेशा नहीं रहेंगे यहाँ पर, दुनिया में भी नहीं रहेंगे हमेशा। सब्जेक्ट कौन होता है? जो एक्शन करता है हमारा। जैसे नीतिका 7 बजे उठती है, अब सब्जेक्ट कौन है? नीतिका। उसका एक्शन उठना, और वो कितने बजे उठती है? ऑब्जेक्ट 7 बजे। ये तुम सबको पहले से पता, जिसने टेंस पढ़े हैं पहले। मेन चीज़ है वर्ब फोर, वर्ब भी मान लगे, आपको भी पता क्या होता है। ये कैमरे में आ रहा है ना, यहाँ पर लिख दूँ कि यहाँ पर कर देता हूँ अभी के लिए। चलो इसको सेपरेट कर देता हूँ। तुम्हें पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है, राइट? कौन सी होती है? अगर उठने को क्या बोलते हैं? उठने को वेक, सोने को स्लीप, खाने को ईट। अच्छा, इसके बाद दो फॉर्म होती है, तुम्हें पता है? वेक, वॉक। तुम रहने दो, चलो। हमें वो सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं चाहिए, ईट, एट, ईटन। ईट चाहिए हमें, एट ईटन नहीं चाहिए आज हमें। स्लीप ही चाहिए, स्लेप्ट नहीं चाहिए। सेकंड थर्ड फॉर्म आज नहीं चाहिए, उसको भूल जाओ तुम। तुम्हें क्या पता है? आज हम यूज़ करेंगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अभी बता रहे तुम क्या है ये। वेक का हो जाएगा वेक्स, स्लीप का क्या होगा फिर? स्लीप्स। ईट का ईट्स, स्टडी का इसे स्पेलिंग यस, एफ एल वाई, फ्लाई का प्लस। देख लो है, इजी है, अब देखोगे तो पता लग जाएगा। तुम ये गलती नहीं कर देना, ये गलती नहीं कर देना, एस एस लगाना है तो मैं सीधा नहीं बोल देता, ऐसे ऐसे लगा लो। मुझे अभी भी याद है जो हमारे टीचर होते थे जिन्होंने हमें पढ़ाया है, वो तो क्या बोलते थे, वर्ब वन के साथ एस या ई एस लगा दो। फिर मैंने उनको क्वेश्चन कर दिया था आगे से, या मुझे एक बच्चे ने पूछ लिया था एक बार, अच्छा आप बोलते हो एस लगा दो, ठीक है, या एस लगा दिया, एस लगा दिया, जब वाई आया आई एस को लगा दिया आपने, ये तो बोला नहीं हमें, इसलिए मैंने ऐसे नहीं रखा है कि एस ई एस लगा दो। क्या करते हैं कई टीचर्स, वर्ब वन प्लस एस स्लैश आई एस, फिर बच्चे को कैसे पता लगेगा? अब आप ऐसे याद रखो, एक वर्ब वन होता है, एक वर्ब फोर, इसका नाम भी है वैसे, तुम्हारी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, कि अगर पूछ ले कि इसको बोलते क्या हैं, फर्स्ट फॉर्म को हमेशा बोलते हैं बेस फॉर्म। बेस फॉर्म मतलब बेसिक, पहली फॉर्म। बेस पता ना, जैसे तो पिज़्ज़ा खाते हैं, उसका बेस क्या है? पिज़्ज़ा खाया ना, जो नीचे वाला होता है गोल गोल, अच्छा कुलचा तो खाया है, हाँ वैसे ही बेस जो होता है उसका नीचे वाला, मेन चीज़ आ रहा समझ? वैसे ही जो सबसे पहली फॉर्म होती है उसको बोलेंगे बेस फॉर्म, अगर तुम्हें नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। रीज़न मैंने वैसे ये, तुम नेट पे सर्च सूच करोगे ना, वर्ब फॉर है नहीं कुछ ऐसा, इसका नाम है पूरी फॉर्म का, मैंने जानबूझ के नहीं लिखा, अभी तुम्हें पता लग जाएगा क्यों जब मैं बताऊँगा। वर्ब फॉर्म का नाम, जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है उसका नाम है थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म। अब बताओ मुझे, ये लिख देता हूँ वहाँ पर, यहाँ पर लिख दूँ बेस फॉर्म स्लैश थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म? नहीं, इसलिए मैंने इसको थोड़ा छोटा करने के लिए शॉर्ट फॉर्म में वर्ब फॉर्म का नाम दे दिया, वर्ब फोर, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तुम्हारी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, इसको सर्च करोगे तो मैं नेट पर मिल जाएगा, ये करोगे नहीं मिलेगा, ठीक है। और वैसे मैंने स्पेशली कि कई के बच्चों के दिमाग में आता है कि सर इसके कोई स्पेलिंग रूल भी है कि हमें कैसे पता लगेगा किसके पीछे एस लगता है, किसके बाद आई एस लगता है, किसके पीछे ई एस लगता है, कि ऐसे भी है ई एस वाले, जैसे कि यहाँ पर लिख देता हूँ V1, V4। जैसे गो पता है ना, गो 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 का मतलब क्या है? जाना। गो का हो जाएगा, गो का क्या बनेगा स्पेलिंग? ES। तो कईयों के माइंड में आता है हमें कैसे पता लगेगा कि S कहाँ लगेगा, ES कहाँ लगेगा, Y काट के कहाँ ES लगेगा, तो उसके लिए मैंने अलग से स्पेलिंग रूल्स बनाए हुए हैं। तो वो उसका मैं जब इसकी वीडियो YouTube पर डलेगी, वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, अगर तुम्हें इंटरेस्टेड है। वो नहीं मैं बताने लगा, अगर तुम्हें स्पेलिंग रूल्स पता करने की, कैसे हमें कहाँ पर एस लगेगा, कहाँ पर आई एस लगेगा, कहाँ पर हमें जब V1 का V4 बनाना है, V1 का V4 बनाना है सिंपल, तो कहाँ पर ES लगेगा, उसके लिए अलग से स्पेलिंग रूल्स रखे हुए हैं मैंने। दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। देखो पहली फॉर्म का नाम होता है बेस फॉर्म, ईट। उसकी एक फॉर्म है ईट्स, उसका नाम होता है थर्ड पर्सन
सिंगुलर फॉर्म, और तुम्हारे लिए समझना मुश्किल होगा इसको, इसलिए मैंने शॉर्ट में बोल दिया वी फोर या वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तुम इतना याद रख लेना, प्ले प्लेस, इतना तो याद रख सकते हो ना। मुझे पता तुम्हारे लिए है थोड़ा डिफिकल्ट, मेरे लिए भी था। तुम्हारा अच्छा, तुम्हारे लिए सिंपल है। तुम्हारी नोटबुक तो कुछ और ही बोलती है बाद में जब टेस्ट लेता हूँ। क्या बोला? सरकार कुछ और ही बोलती है। अरे वाह, सरकार कुछ और ही बोलती है, सही बात है। वादे कुछ और करती है, करती कुछ और है। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हें क्लियर हो गया सब्जेक्ट के बाद? अच्छा नहीं, तुमने तो ऐसे किया अभी, ऊपर से निकल गया। ठीक है, मैं फिर से लास्ट एक बार फिर से बता रहा हूँ इजी वे में। सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद दो में से एक फॉर्म लगेगी, या तो प्ले या प्लेस। यहाँ पर एग्जांपल लिख देता हूँ, प्ले प्लेस। अरे सब्र करो, वहाँ पे जा रहे हैं अभी, अभी पिक्चर बाकी है। जैसे कैसे फिर से वो बोलता था, सब्र करो, राह नहीं जाता, चीज ही ऐसी है। तुम्हें बड़ा हो रहा है, तुम्हें बताऊंगा, तुम्हें इतना बस अभी माइंड में रखना है, मेरा सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद एक फॉर्म लगेगी, या तो वी वन या तो वी फोर। अब ठीक है, तुम्हें पता भी है क्या है वी वन और वी फोर? वी फोर क्या है? मैं एग्जाम्पल दूंगा, टीचिस, पढ़ाने का टीचिस, ये वी फोर है वी वन? वी फोर। टीच वी वन, ड्रिंक ड्रिंक्स वी फोर। क्लियर है तुम्हें? अब थोड़ी देर में बताऊंगा कि किसके साथ तुम्हें वी फोर लगाना है और किसके साथ वी वन, किसके साथ तुम्हें बिना एस वाला लगाना है और किसके साथ तुम्हें बिना सॉरी किसके साथ तुम्हें एस वाला लगाना है। इतना ठीक है? मैंने चाहता तो मैं ऐसे भी लिख देता सिर्फ एस, पर हर जगह तो ऐसे नहीं लगता, कई जगह ई एस आई एस लगता है, इसलिए मैंने वी वन वी फोर का कंसेप्ट रखा हुआ। थोड़ा थोड़ा करेंगे एग्जाम्पल, तुम्हें पक्का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं बताने लगा हूँ कि किसके साथ वी वन लगेगा और किसके साथ वी फोर। इसको रेज कर दूँ तुम्हें? क्लियर है ना वी वन क्या होता है, वी फोर? पक्का? फिर से एक बार, ईट का वी फोर क्या होगा? अच्छा, ड्राइव्स वी फोर होता है, गाड़ी चलाना ड्राइव्स वी फोर होता है, वी वन वी फोर, और ड्राइव क्या होता है? हाँ ठीक है। हाँ, अगर कोई आज बोलना चाहता है ना कि मेरे पापा गाड़ी चलाते हैं तो आज बना सकता है। अगर बोलना चाहता है मेरा ये काम करते हैं पिताजी। अच्छा, जहाज किसके पापा चलाते हैं? कौन है ये? अच्छा मैं थोड़ी सी चाय पी लूँ। तुम्हें क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा टोए वाला जहाज कह रहा है ये। एक तो वो वाला जहाज भी होता था जो गोल गोल ऐसे घुमा घुमा के उसका टाइट कर देते थे पंखे, फिर छोड़ देते थे उड़ने हो जाता। तुम्हें नहीं पता होगा, लड़कों को पता भाई। नहीं सर, मैं ऐसे थोड़ा पता। एक 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 का काम था जो ऐसे जो होते हैं सर, मैं ऐसे थोड़ा पता। हाँ वही वाला, वही वाला। तुमने सीखना है, तुम्हें चलाना है, पायलट बनना है? अच्छा, उसको स्कूटी नहीं चलाने आती और कह रहा है वो एरोप्लेन उड़ाएगा। चलो देख लो अभी कौन से सब्जेक्ट के साथ वीवा लगता है, और नमूनों इधर देख लो कौन से सब्जेक्ट के साथ वी वन लगता है और कौन से सब्जेक्ट के साथ वी फोर। तुम्हें पता लग रहा है ना जब मैं वी वन बोल रहा हूँ, वी फोर चल रहा है ना? ठीक है, हाँ मुझे पता है, वैसे तुम समझदार हो। अब तुम्हें पता है कि सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, राइट? हाँ रुक जाओ, दो तरह के होंगे, एक तो होगा नाउन, हाँ, या फिर मैं सिंपल काम करूँ क्या? चलो मैं ऐसे लिख दे, टेबल ही बना लेता हूँ, ईजी रहेगा। नाउन पर नाउन, और यहाँ पर लिख देते हैं कौन सा लगेगा, वी वन या वी फोर, मैं बताऊँगा यहाँ पर। अच्छा, नाउन कौन से दो तरह के होते हैं ना, एक सिंगुलर होता है, कौन सा सिंगुलर मतलब जो गिनती में एक है। नितिका कितना है गिनती में, एक है कि ज़्यादा है? एक है। बच्चे ज़्यादा है, चाइल्ड की चिल्ड्रन होगा, चाइल्ड सिंगुलर है या प्लूरल? और चिल्ड्रन प्लूरल, ठीक है तुम्हें पता है। अगर तो एक सिंगुलर नाउन है मतलब गिनती में एक वाला तुम्हारा सब्जेक्ट, जैसे कि नितिका अर्श मुस्कान, या फिर तुम्हारा जो प्रनाउन है वो है ही शी या फिर
इट, तो इसके साथ क्या लगेगा, तुम्हें क्या लगता है वी वन या वी फोर? हाँ वी फोर लगेगा, मतलब ही के साथ प्लेस लगेगा, शी के साथ प्लेस लगेगा, इट के साथ, चलो इट तो खेलेगा नहीं, ऐसा वाला वर्ब लगेगा। नीति का के साथ प्ले लगेगा या प्लेस? प्लेस, क्योंकि वी फोर लगेगा। वैसे ही अगर तुम्हारा प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन, तो मुझे बताओ, और प्लूरल नाउन पर नाउन कौन कौन से बच गए? आई बच गए, मैं, हमको वही बोलेंगे, तुम्हें क्या बोलूँ मैं? यू, दे। ये अगर तुम्हारे सब्जेक्ट्स हैं तो इनके साथ क्या बचा फिर? की फर्स्ट फॉर्म। आई के साथ प्ले लगेगा या प्लेस? हाँ प्ले। वी के साथ? प्ले। यू के साथ? शी के साथ? देख ही देख रहा। अच्छा चिल्ड्रन, बच्चे खेलते हैं, तुम्हें भी पता सच्ची है, आदत भी है उनकी, बच्चे खेलते हैं, चिल्ड्रन प्ले या प्लेस? वाह तेरे, चिल्ड्रन प्लूरल है या सिंगुलर है? चिल्ड्रन प्लूरल है या सिंगुलर है बताओ? जो प्लूरल है, तुमने कैसे फिर प्लेस बोला? दीवा नहीं लगेगा? हाँ अब बोलता है हाँ, अब कहता है हाँ। अब ये टेबल बना लो अब, ठीक है, क्लियर है तुम्हें? नीतिका ने पूछा था ना कि हमें कैसे पता लगेगा कि वी वन किसका लगेगा वी फोर, अब क्लियर है सबको? मुझे पता है थोड़ा सा ये नाम सिंपल थोड़ा सा पेचीदा टेढ़ा मेढ़ा है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको धीरे धीरे आराम से पढ़ाऊँ तुम्हें, आराम से खुल के हर एक चीज़ पे तुम्हें डीपली बता रहा हूँ तुम्हें। पर ये कर, अगर तुमने ये टेस्ट कर लिया फिर तो बात, मतलब पार्टी है तुम्हारी तरफ से। वो कहता कि रहने तो नहीं आता, पार्टी देनी पड़ेगी। मैंने बोला ना कि अगर तुम्हें ये आ गया टेंस, सिर्फ पॉजिटिव में ही आ गया, तो फिर तो पार्टी है, मतलब बड़ी बात हो गई है। तो ये ऐसा इतना तगड़ा टेंस तुम्हें आ गया, अब तुम्हें ये भी पता लग गया होगा कि मैंने इसको लास्ट में क्यों कराया, बाकी टेंसेस क्यों प्रेजेंट वाले पहले कराए और इसको क्यों लास्ट में रखा था। अभी तो खेल शुरू हुआ है, अभी कल है, आज नहीं है वो कल होगी। चलो अब ठीक है, तुम्हें मेरे हिसाब से पता लग गया यूज़ क्या होता है और इसे कैसे यूज़ करना है, दोनों ही क्लियर है। यूज़ क्यों होता है, पहला यूज़ क्या है इसका तुम बताओ? जड़ी चीज़ हम बार बार करेंगे, जो चीज़ हम बार बार करेंगे हैबिचुअल एक्शन। और दूसरा यूज़ इसका मतलब जनरल ट्रुथ और फैक्ट का मतलब जो सच है सत्य। मैं बहुत बोलता था पहले, अरे वो राम राम कर रहा है अब। चलो ये रेस कर रहा हूँ मैं, तुम अगले ने लिख लिया सभी, हाँ सही है। वहाँ पर अगर वो इंग्लिश में बोलेगा ना सच को, तो इसको टेंस को यूज़ करना पड़ेगा, मतलब कोई फैक्ट बोलेगा, ये नहीं कि हर बात को ये सिंपल प्रेजेंट है। हाँ झूठ बोलना भी सिखाऊंगा मैं। जब हम आज नहीं कल, आज सच बोलना सिखा रहा हूँ, कल झूठ बोला, परसों सवाल करना सिखाऊंगा कि कोई सच बोल रहा है कि तो झूठ बोल रहा है, ये पूछना। अब ठीक है इस पर रेस कर दूँ? ठीक है यार, अब हम जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में वो लिखवाए थे, यहाँ पर फिर भी एक बार लिख देता हूँ मैं कि वी वन और वी फोर में क्या फ़र्क है। प्ले, ईट, ड्रिंक, स्टडी, कि तुम्हें भूल ना जाए। प्लेस, ईट्स, ड्रिंक्स, सही कर रहा हूँ ना मैं? स्टडी, अच्छा वो का क्या बनेगा? वॉक, सही है। तो अगर तुम्हें मैंने पहले भी एक बार मेंशन किया है, स्पेलिंग रूल्स में सॉरी इंटरेस्ट है कि कैसे इसको वी वन से वी फोर बनाना है, वी वन से वी फोर बनाना है, अगर तुम्हें इंटरेस्ट है फिर भी बिल्कुल याद रखना है एग्जैक्टली, तो उसका मैं लिंक इन द डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, उन नोट्स का, ऑनलाइन नोट्स होंगे इस लेक्चर की वीडियो में, ठीक है, मेरे वेबसाइट पर है। तो अब स्टार्ट करते हैं, पहला एग्जांपल मैंने क्या लिखाया था तुम लोगों को, मुझे कोई एक जाना बोले, मैं पढ़ता हूँ एग्जांपल। अब ये हैबिचुअल एक्शन या सच में आ गया, इस वजह से मैं इसको विद द हेल्प ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस आज करूँगा ट्रांसलेट। मैं पढ़ता हूँ, मैंने ये नहीं कहा कि मैं पढ़ूँगा, पढ़ा था, पढ़ रहा हूँ। आई, मैं का सब्जेक्ट क्या है?
आई, सब्जेक्ट लग गया और आई के साथ अभी बताया था क्या लगता है, V1 या V4? पक्का मुझे देख लो, V1 ठीक है। और पढ़ने को क्या बोलते हैं? स्टडी। और स्टडी की पहली फॉर्म क्या है? स्टडी ही है। ऑब्जेक्ट तो है नहीं, मैंने तो बोला नहीं मैं क्या पढ़ता हूँ। अगर मैं बोल देता कि मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, तुम पढ़ते हो, तो तुम कहाँ पर इंग्लिश लगाते? आई इंग्लिश स्टडी, आई स्टडी, ऑब्जेक्ट आ गया, क्या पढ़ते हो? इंग्लिश। मज़ा आया सच में? चलो ठीक है, अब ठीक है। दूसरा एग्जांपल ये भी रेज कर दूँ, लिख लिया। दूसरा एग्जांपल क्या था? नीतिका, नीतिका 7 बजे उठती है। ये भी एक आदत है, डेली का काम है, हमें पता है, इसलिए हम कर सकते हैं इसको। नीतिका 7 बजे उठती है। अब हमारा सब्जेक्ट कौन है, एक्शन कौन करता है? नीतिका 7 बजे तो नहीं करता है, नीतिका। और जो एक्शन जो करता है, सब्जेक्ट हमारा स्टार्टिंग में लग गया, ऑब्वियसली तुम्हें पता है, नीतिका। अच्छा अब क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट की वर्ब, 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 उसका वर्ब क्या, एक्शन क्या है उसका? उठना। उठने को क्या बोलते हैं? अच्छा वेक लगेगा या वेक्स? कैसे पता लगेगा? सिंगला नाउन उसके साथ क्या लगता है, V1 या V4? पक्की बात है? नहीं, चलो ठीक है। तुम्हें कैसे पता यार, तुम्हें कैसे? मैंने ही तो बताया था, मैंने अभी थोड़े टाइम पहले टेबल बनाया था। मुझे यहाँ बनाने की जरूरत नहीं है ना, वो टेबल तुम्हें जो देख रहा है वीडियो, उसने आई होप पीछे जाकर या फिर उसने अपने नोटबुक कर लिया, कैसे भी स्क्रीनशॉट ले लिया हो। ऐसा तो नहीं कि मुझे यहाँ लिखने की जरूरत है फिर मैं मैच कर करके बताऊँ, अगर ऐसा भी हो तो बता देना। ठीक है नीतिका, अरे ये ऐसा लग रहा है ये इसके साथ जा रहा है, इसको ऐसे करते हैं सेपरेट करते, ये ऐसे लग रहा था यहाँ पर ही ख़त्म हो गया लग रहा है ना। अच्छा नीतिका किस साथ लगेगा, V1 या V4 भी हमने बात की थी, V4। और वेक की V4 क्या है, वेक है, वेक्स। नीतिका वेक्स, साथ में अप भी लगेगा, उठती है, वेक्स अप 7 बजे, 7 AM, ओबियसली रात के शाम के 7 बजे तो नहीं उठती होगी। अच्छा मैंने बताया हुआ जब क्लॉक टाइम हो, घड़ी वाला वक्त हो, ऑन लगता है, इन लगता है या ऐड लगता है? क्या लगता है? ऐड लगता है, ठीक कहा तुमने। अगर बोल देता वो 7 बजे से पहले उठ जाती है, उठती है सॉरी, उठ जाती नहीं है, नहीं नहीं मैंने ये नहीं बोला 7 बजे से पहले उठ जाएगी, अगर बोलता हूँ उठ जाती है तो 7 AM से पहले क्या लगेगा? पहले बिफोर ही होता है, अगर बाद में उठती है हमेशा आफ्टर। क्या करें हम, लड़की का हमारी हर दिन 9 बजे के बाद उठती है, शी वेक्स अप आफ्टर 9 AM। और हर दिन को क्या बोलते हैं? चलो अगर यहाँ पर मैं ऐड कर दूँ, देखो हाँ ठीक है, 7 बजे नीतिका हर रोज, ये अच्छा किसने अभी बोला भी था है ना, अच्छा एवरीडे कहाँ पर आएगा? नीतिका वेक्स अप एवरीडे एट 7 AM या नीतिका वेक्स @7 AM? अच्छा @7 AM में, शायद मैं भी गलत हो सकता हूँ, मैं भी तुक्का मार रहा हूँ, मैं पहले ही मुझे बता देना चाहिए, सच बोलना चाहिए। तो मेरे हिसाब से नीतिका वेक्स अप @7 AM, नहीं मेरे हिसाब से पहले आएगा, मेरा दिल बोलता है एवरीडे पहले आएगा। अच्छा एक चीज़ मैं बताना चाहता था, मैंने इसलिए नहीं तुक्का मारने के लिए नहीं एवरीडे लिखाया, मैं तुम्हें बताना चाहता था जब एवरीडे लिखते हैं ऐसे लिख सकते हैं एवरीडे गलत, यही तुम्हें बताना चाहता था तुम्हें, एवरीडे सही लिखा है मैंने, मतलब मेरी राइटिंग गंदी है मुझे पता है, बट ऐसे सही लिखा है, गलत है, स्पेलिंग सही है, मतलब थोड़ी सी गलती है स्पेलिंग में, कोमा नहीं पड़ेगा, एवरीडे हमेशा डिफरेंट डिफरेंट लिखते हो तुम, जोड़ के नहीं लिखते है, ये मैंने गलती बहुत टाइम की है, एवरीडे हमेशा अलग अलग रहेंगे, इनकी नहीं बनती है, इनकी नहीं बनती है, नहीं बनती है। तुझे बहुत है मियाँ बीबी, आज फिर मेरी चाय ठंडी हो गई, अब तुम नहीं बताओगे मुझे चाय ठंडी होगी, मुझे पता है लास्ट क्लास में तुमने पहले उसने बोला सर चाय ठंडी होगी, फिर उसने बोला, नीतिका को छोड़ के सबने बोल दिया, उसको फिक्र ही नहीं होगी सर की चाय ठंडी होगी। ठीक है नीतिका वेक्स अप
एवरी डे एट कितने बजे उठती हैं? 7 AM. हाँ, अगर तुम्हें नहीं पता AM PM तो सिंपल लिख दो 7 o'clock, क्योंकि हमें पता एग्जैक्टली उठती है. अगर नहीं पता है, बट वैसे हमें पता ही है क्योंकि सुबह उठती है 7 AM. और फिर भी मेरा दिल कहता है कि शायद मैं गलत हो सकता हूँ, एवरी डे लास्ट में आए, तो अगर कल को आए तो बोल याद कर लेना कि सर ने भी बोला था, कन्फर्म नहीं है, मेरे पर ब्लेम नहीं डाल देना, और मुझे भी बता देना पीछे आएगा कि आगे आएगा. क्लियर? इतना या तो यहाँ आएगा अब के बाद, या तो यहाँ आएगा. किसने मार खानी है? अच्छा ठीक है, अगला एग्जांपल थर्ड क्या था? मुस्कान 10 बजे से होती है. चलो ठीक है, मैं भी 10 बजे. मुस्कान कितने बजे? 10. अच्छा अभी मैं कह दूँ हर रात 10 बजे सोती है, मैंने एक नाम ऐड किया, हर रोज़ नहीं, अब हाँ हर रात 10 बजे सोती है. अच्छा सब्जेक्ट कौन है मेरा? मुस्कान, क्योंकि मुस्कान ही तो एक्शन करती है, मैं तो हूँ नहीं कहीं, तो कोई और तो है नहीं. कहीं क्या करते हैं, यहाँ पे शी लगा देते हैं. मैंने ये बोला कि वह 10 बजे सोती है, मैंने ये तो नहीं बोला. अगर मैं बोल देता वह 10 बजे सोती है, फिर क्या लगता? शी लगता. तो कई क्या करते हैं, हम जब मैं बोलता हूँ मुस्कान को इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, वो शी बना देते हैं. अरे नाउन है तो नाउन ही लगाओगे ना, यहाँ पर नाम है तो यहाँ पर नाउन, यहाँ पर नाम है तो यहाँ पर नाउन. अभी नाउन है, किसी का नाम है तो उसको भी नाउन में लिखना है अपने. मुस्कान उठने को क्या बोलते हैं, सॉरी सोने को क्या बोलोगे? स्लीप. अब मुझे बताओ स्लीप लगेगा या स्लीप्स लगेगा? तुम्हें कैसे पता? सिंगलर नाउन है. हाँ देव सर ने ही तो बताया था कि जो सिंगलर नाउन होते हैं, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, उसके साथ लगता है, उसके साथ लगता है V1 या V4, और जो प्लूरल नाउन में शॉर्ट में लिख रहा हूँ V1. मतलब यहाँ पे आ सकता है स्लीप्स, नहीं सॉरी, हाँ ठीक है, यहाँ पे आ सकता है स्लीप, माइंड में रहेगा इसलिए. अब यहाँ पे लिख दूँ फिर मुस्कान क्या सिंगलर या प्लूरल? सिंगलर, तो सिंगलर के साथ V4 स्लीप्स. कितने बजे? थोड़ी पहले आएगा हमारा एवरी नाइट. मुस्कान स्लीप्स एवरी, साथ में लिखूँ कि एक साथ? डिफरेंट डिफरेंट. हाँ इसकी भी नहीं बनती मुझे लगता है. एवरी नाइट ऑन इन एट एट कितने बजे? 10 PM लिख देते हैं, क्योंकि हमें पता है रात को है. अब हमें पता है, मैंने मेंशन कर दिया ना यहाँ पे रात, तो 10 PM. और वैसे सुबह उठ के कौन, 10 लोग उठते हैं 10 बजे, कौन सोता है? नहीं है एक को मैं जानता हूँ, कोई मेरा फ्रेंड है वो 10 बजे उठती है. हाँ छुट्टी वाले दिन होता है, एक दो घंटा लेट हो जाता है सबका. इसका मतलब तो अनडिसिप्लिन पर्सन है ना, इससे पता लगता है तुम्हारी ज़िंदगी में अनुशासन की कमी है. हाँ मैंने कहा जब से उसने मुस्कान ने लिखा है ना मेरे बारे में ऐसे माय फेवरेट टीचर में कि देव सर इज़ वेरी डिसिप्लिनड एंड पंक्चुअल. पंक्चुअल तो नहीं कहूँगा, आज भी मैं आधा घंटा लेट आया था, पर डिसिप्लिन हो गया हूँ मैं, जो काम करना है वो कर देता हूँ पहले. अब वैसे टाइमर भी अब मैं सोने लगा, कल मैं सोच रहा था आज, फिर अभी थोड़ा लालच करता है अभी मन, जैसे होता ना कि यार मैंने काम कर लिया इतना, थोड़ा मैं भी टाइम पास कर लूँ, एंटरटेनमेंट कर लूँ. फिर तभी मेरे दिमाग में उसकी बात आ गई कि देव सर इज़ वेरी डिसिप्लिन एंड पंक्चुअल. तो मैंने कहा नहीं यार, मन जो करता है कहे उसको कहने दो, जो करना है वो करना है. फिर जो मेरे काम थे, यूनिफॉर्म आयरन करना, जो बाकी पढ़ना लिखना सारा वो किया मैंने. आज सुबह भी बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर उठा हूँ 6 बजे, क्योंकि कल नीति मुस्कान ने बोल दिया है देव सर इज़ वेरी डिसिप्लिन एंड पंक्चुअल, अब निभाना तो पड़ेगा. आज कल मैं 10 बजे सोया और बिल्कुल 6 बजे उठा, 10 से आगे 5 मिनट हो गया होगा सोते सोते, पर बिल्कुल एग्जैक्टली 6 बजे उठा अपने आप, हो भी अलार्म भी नहीं बजा. तो मुस्कान का थैंक यू है, मुस्कान ने मुझे फिर से मुस्कान की बातों का थोड़ा इफेक्ट पड़ गया. हाँ पहले भी था, बट बीच में थोड़ा हो गया था मैं अनडिसिप्लिन, पर कल से बोला मुस्कान ने अब तो निभाना पड़ेगा. चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल
अर्श क्रिकेट खेलता है, अब अर्श नहीं लगाएंगे क्योंकि बहुत सारे हमने पहले नाउन लगा लिए। अब हम लिखेंगे हाँ वह क्रिकेट खेलता है, पर नाउन भी तो यूज़ करना है हमें, पर नाम वह, चलो वह क्रिकेट खेलता है, सही लिखा मैंने? हाँ जी, तुम दोनों खुसर खुसर। वह क्रिकेट खेलता है तो सब्जेक्ट कौन है? ही शी आई वी यू दे। अब नाउन तो नहीं लगेगा, अब तुम्हें पता क्यों? क्योंकि पर नाम लगाया मैंने, उसके लिए भी पर नाउन लगाना पड़ेगा। तो क्या लगाऊं मैं? ही प्लेस। प्लेस क्यों लगा? प्ले क्यों नहीं लगा? क्योंकि ही के साथ लगता है वी फोर, और वी फोर कौन सा होता है? मैंने यहाँ पे पहले देखो एग्जांपल ही उसी का दिया है। प्लेस, ही प्लेस क्या खेलता है ऑब्जेक्ट? क्रिकेट, सही है। बस और तो है नहीं कुछ? अगर मैं बोल देता हर शाम खेलता तो क्या आता लास्ट में? एवरी। क्या एक साथ मत बोलो, जुड़वा बहन थोड़ी हो तुम दोनों, वो कपिल शर्मा शो में नहीं है? वो भी एक साथ वो है। अच्छा क्या बोल रहे थे, एक जाना बोलो, तुम बोलो क्या कह रहे? अच्छा पेन नीचे गिर गया था, उठा रहे थे, दो दो लोग लग गए पेन उठाने में, इतना भारी पेन। हाँ भाई था पेन, तो मैंने क्या बोला अभी? तुम भी लगी भी सो कर नहीं हो, तुम भी ये भी कर नहीं है। अच्छा ठीक है, अगर मैं बोल देता तो देख लो तुमसे पूछ लो। वह क्रिकेट हर शाम खेलता है तो क्या लगना था लास्ट में? एवरी एवरी इवनिंग, हर शाम बोला ना मैंने, ठीक है। अभी ये कर दूं, ये रेज कर दूं, लिख लिया सभी ने? मैं अच्छा देव सर वाला एग्जांपल भी है ना, मुझे लगता है रहने देते हैं बोला। अच्छा ये एक अलग ही मास्टर पीस है जिन्हें लिखा नहीं अभी तक कुछ। अब इधर देख लो, जो जितना रह गया उसके लिए जगह छोड़ो, नेक्स्ट करो, अब बाद में कर लेना वो। देख लो ज़रा, अगर मैं बोलूँ मजदूर काम करते हैं, मैं इंग्लिश ये कब लिखा है? ये अच्छा हाँ ठीक है ये करा देता हूँ मैं। इंग्लिश पढ़ाता है, इंग्लिश पढ़ाता हूँ। मैं को क्या बोलूँगा इंग्लिश में? आई के साथ वी वन या वी फोर? वी वन। आई के साथ लगता है वी वन लगता है, नीचे वाला टेबल जो था नीचे वाला साइड में, वहाँ पर मैंने नीचे वाली रो थी उसमें बताया था। आई पढ़ाने का बोलते हैं टीच, टीचर तो नहीं लगेगा? नहीं वी वन लगेगा ना ऑब्वियसली, बिना एस वाली फॉर्म होती है वी वन। टीच क्या पढ़ाता हूँ? हाँ कभी कभी कंप्यूटर भी कभी, अब मैंने छोड़ दिया, मना कर दिया, मैंने कल बोल दिया सर को मैं नहीं पढ़ाऊँगा। मैंने बोल दिया सर आप, हाँ अब तुम अपनी वाली लैब में, वहाँ पर है तुम्हारी लैब, मैंने पूछा भी सर को कल का आप दिख नहीं रहे थे, तो उन्होंने बोला मैं ओली लैब में था, कई बच्चों को नहीं पता लगा कि वहाँ शिफ्ट हो गए, अब तुम्हें पता भी है कि वहाँ चले गए सारे तो आगे नहीं पता, बाद में बताता हूँ। तुम अब वहाँ जाओगे देव सर लैब में? अब नहीं, नो ठीक है, मैंने कंप्यूटर को त्याग दिया अभी के लिए। हाँ जी हाँ उधर जाओ, अब मैंने कंप्यूटर पढ़ाना छोड़ दिया, मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि फिर बाकी काम नहीं हो पाते हैं, तो मुझे लालच दे देते आ जाओ सर, और मैं भी लालच ले लेता हूँ, पर मेरा काम थोड़ा बढ़ जाता है फिर बाद में, जो मेरा काम है पढ़ाना इंग्लिश वो इस पर रहने देते हैं, अभी बाद में मेरा एग्ज़ाम होने दो फिर देखते हैं। हाँ जी एग्ज़ाम होंगे मेरे, मेरा एग्ज़ाम अभी आ रहा है 8 तारीख को है अगले महीने, तुम्हें लगता है मैं इंग्लिश का एग्ज़ाम दूँगा? नहीं इंग्लिश का नहीं बेटा, स्टैटिस्टिक्स मैथ कह सकते हो आप उसका, उसके बाद कंप्यूटर का भी है। वो देव सर नहीं पढ़ाते ना थे अभी? हाँ उसका क्वेश्चन है मुझे पूछा उसने, तुम बताओ अभी, उसने बोला ऐसे नहीं लिखते मैं इंग्लिश पढ़ाता, उसने बोला देव सर इंग्लिश पढ़ाते, मतलब मैं
देव सर इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो वो बोल रहा है देव सर के साथ आप टीच रहेगा या टीचिस हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? सिंगला नाम मैंने लिखाया था, क्योंकि ये मत सोचना कि मैं और देव सर तो एक ही हैं। ई एस लगेगा, टीच का टीचिस हो जाएगा, ई एस लगेगा। ठीक है, हमें फिर रेस करा कर दूँ ये रेस। सूरज से उगता है। अब हम थोड़े सच्चे सच्ची बातें करेंगे, ठीक है? सूरज पूरब से। हाँ जी, आगे चुप्पी करते ही बातें। क्या आगे चुप्पी करते ही बातें? क्या हम सच्चा सच बात करेंगे? अच्छा वो बोल रहा है, वो कह रहा कि आप अभी बोल रहे हो कि सच्ची बातें होगी, तो वो कह रहा पहले आप झूठ बोलते थे। अरे नहीं, तब हम आदतों की बातें करते थे ना, वो भी सत्य थी एक तरह से। सूरज पूरब से उगता है। अच्छा, सूरज को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सन। सन हमारा सब्जेक्ट। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, थैंक यू बताने के लिए। सूरज पूरब से उगता है, सूरज को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मून तो नहीं बोलते हैं। अच्छा जो हमारा सन है वो सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? सब्जेक्ट है। क्यों सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है? वही तो एक्शन करता है ना निकलने का, जो एक्शन करता है वो सब्जेक्ट है, तुम्हें बहुत बार बता चुका हूँ। तो इसको क्या बोलेंगे? सूरज बोलेंगे, सन। आप किसी को बताओ उन्हें को क्या बोलते हैं? हाँ राइज। अच्छा आप मुझे बताओ, सन राइज या राइजेस? बताओ मुझे, राइज या राइजेस? राइज है वी वन वी फोर। अच्छा, और जो सन सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन? हाँ, तो ये हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है? सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगता है? वी फोर से लगा। सन राइजेस कहाँ से, कहाँ से निकलता है? पूरब को क्या बोलते हैं, किसी को पता है इंग्लिश में? स्वाहा। क्या बोला था पहले? वैसे नहीं, दोनों ही नहीं। ईस्ट। सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। फ्रॉम क्यों लगाया पता ना? से निकलता है, फ्रॉम इसलिए लगाया। तुम घर से निकलते हो, यू हेड आउट फ्रॉम होम, से निकलते हो ना। अगर मैंने बोला मैंने ये चीज़ यहाँ से खरीदी, यहाँ से खरीदी, इस दुकान से खरीदी, तो मैं क्या बोलूँगा? फ्रॉम दैट शॉप, इस शॉप से, फ्रॉम दिस शॉप। समझ आ गया ना मैंने फ्रॉम क्यों लगाया? अच्छा हाँ, अगर मैं बोलता मैं उस शॉप से, तुम्हें पता है ये पहले से मैं पढ़ाया मैंने, दिस और दैट में क्या फ़र्क है? अगर चीज़ पास में है और मैं बोलूँ ये मार्कर मेरा है, दिस मार्कर इज माइन, वहाँ पर पढ़ा होता दूर कहीं, मैं बोलता दैट मार्कर इज माइन, वह मार्कर, यह मार्कर। ठीक है, ये मैं रेस करने लगा हूँ। इसके बाद क्या था, मछलियों वाला था शायद? मछली जल की रानी है। मछली पानी में तैरती है। अब मुझे बताओ मछली को इंग्लिश में क्या बोलोगे? फिश बोलो। अच्छा मैं बोलूँ, इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ, मछलियाँ गलत, फिश फिश ही रहता है, यही बताने के लिए तुम्हें तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा ये क्यों नहीं लगा। ये तुम ऐसे देख सकते हो कि दो तरह के नाउन होते हैं, एक रेगुलर एक इररेगुलर। मतलब रेगुलर का मतलब क्या हुआ, जो बच्चा डेली आता है, हमें पता है आ जाएगा तो कल भी आएगा, कभी कभी हो सकता है बीमार पड़ गया या कहीं चंडीगढ़ जाना पड़ गया कहने की तरह, वैसे रेगुलर है। एक बच्चा है अपनी मर्जी का मालिक है, उसको बोलेंगे इररेगुलर। वैसे ही नाउन भी दो तरह के होते हैं, एक रेगुलर जिनका तुम्हें पैटर्न पता है, एस लगेगा ई एस लगेगा, दो तरह के नाउन से, एक रेगुलर एक इरेगुलर। रेगुलर मतलब तुम्हें पता है कैसा बच्चा है, कैसा नाउन है, सॉरी इसका तुम्हें पता है जब प्लूरल बनेगा क्या बन जाएगा, बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, ये रेगुलर हो। इरेगुलर ऐसे होते हैं फिश, जैसे चाइल्ड का पता ना तुम्हें, चाइल्ड का चाइल्ड नहीं बनता, चाइल्ड का क्या बन जाता है? वो किस में आया, रेगुलर या इरेगुलर में? इरेगुलर। इसका कोई हिसाब नहीं है, ये ऐसे ही है, अपनी मर्जी का मालिक है ये। हाँ जैसे बोलते हैं ना सर वो बच्चा इतने दिन आया नहीं, अब अचानक से आ गया था, हम क्या बोलेंगे? ये ऐसा ही है।
वो वाला हिसाब है, इरेगुलर है ये, इसका अपना है। आता है, ये आता है। चलो फिश का क्या, मछलियाँ क्या आएगा? फिश ही आएगा, बता दिया मैंने, फिश का फिश ही रहता है। कई बोल देते हैं फिशेस, पर कोई बात नहीं, माफ़ कर देना उन्हें, ठीक है? अगर बोल दे रहा तो उसको चल, माफ़ किया तुझे जी, ले अपने। फिश तैरने को क्या बोलते हो? तैरना स्विमिंग होता है, बट वैसे स्विम है। दो वर्ड बनेंगे, स्विम या स्विम्स। पहला क्या हो गया? वी वन, राइट। दूसरा हो गया अच्छा फिश। यहाँ पर देख लो मछलियाँ, एक है कि ज़्यादा है, सिंगुलर है प्लूरल? बोलो, ज़्यादा है। अब मुझे पता, तो मैंने बोला भी था थोड़े बीच में, तुम लोग तब बात कर रहे थे शायद, मैंने बोला मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, मछली का मछलियाँ कर रहा हूँ, तुम चेंज कर लो। हाँ, मैं मुस्कान बात नहीं कर रही थी, वो सुन रही थी तो उसको। मछलियाँ पानी में तैरती हैं, तो मछलियाँ एक है कि ज़्यादा? ज़्यादा। एक सिंगुलर या प्लूरल? प्लूरल नाउन, और प्लूरल नाउन के साथ वी वन लगेगा या वी फोर? फिश। अगर मैं बोल देता मछली तैरती है तो फिश, मछलियाँ तैरती हैं, फिश स्विम। ध्यान से देखो, मज़ा आ रहा है? अच्छा, तुम्हें बड़ा मज़ा आ रहा मछलियाँ को तैरते देखा है। अच्छा, मछलियाँ अब हमने बोला ज़्यादा, तो ऑब्वियसली हमें पता वी वन लगेगा, और कहाँ तैरती हैं? पानी में, इन द में है ना, तो इन द वाटर में। टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं लिख रहा मुझे लग रहा है, कई बार यहाँ चल जाता, नीचे चला जाता है मेरा टेक्स्ट। हाँ, मुझे टोक दिया करो, ये इसका ट्रांसलेशन है। क्लियर है? अब मैंने बहुत नाउंस के एग्जांपल दे लिए, एक क्लास देता हूँ, वो वाला कुत्ते वाला, पंछी हवा में उड़ते हैं। मैं एक ही करूँगा, तुम भी कर लेना थोड़े, पंछी वाला करूँ या कुत्तों वाला करूँ? कुत्तों वाला, दोनों ही कर ही जाऊँ फिर मुझे पनाउन के भी बनाने। चलो तुम बोल रहे हो ऑन द डिमांड, कैसे बोलते हैं वो? अच्छा, नहीं ऑन द डिमांड, वो सिंगर नहीं बोलते कई बार ऑन द डिमांड, मेरे भूल गया वो बोलते थे गाने में लास्ट में। इसको मारो थोड़ा, ये कह रहा वीडियो बंद कर दो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, इसको पीट सकते हो तुम सभी, कोपचे में ले लो उसको। मजाक कर रहा हूँ, हाथापाई नहीं करनी, मैं हाथापाई में नहीं खेलता, मैं इंसावादी हूँ। अच्छा एग्जांपल बोलो मुझे, मैं ट्रांसलेट करूँगा। पंछी हवा हवाई, पंछी हवा में, सुना गाना हवा हवाई, मुझे भूल गया, मुझे याद भी कराना बाद में कैसी लाइन थी। पंछी हवा में उड़ते हैं, कहने में आई हवा हवाई। अच्छा पंछी को क्या बोलेगा? अब एक है कि ज़्यादा है? ज़्यादा है ना, उड़ते हैं, पंछी उड़ता है नहीं बोला, हाँ उड़ता है नहीं बोला, उड़ता नहीं बोला, उड़ते हैं, उड़दा पंजाब, उड़दा पंजाब, पंछी हवा में उड़ते हैं, एक है कि ज़्यादा? हाँ, बर्ड्स मतलब सिंगुलर है कि प्लूरल? प्लूरल है। बर्ड्स फ्लाई लगेगा या फ्लाइज लगेगा? वी वन या फ्लाई लगेगा, राइट है, पर तुम मुझे बताओ क्यों लगा? ये ज़्यादा है, और ज़्यादा के साथ वी वन लगता है। फ्लाइज कहाँ पर? चलो मैं हवा नहीं करता, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, तुम भी चेंज कर लेना, आसमान कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा लगता सुनने में, आसमान, इन द स्काई। अगर हवा को भी बोलना होता तो एयर बोल देते, अगर हवा को भी करना है ट्रांसलेट तो बोल देते बर्ड फ्लाई इन द एयर। हाँ, हवा में इन द आएगा। हवा के अंदर है वो, के ऊपर नहीं है। हाँ अच्छा, करना है लास्ट एग्जांपल कि मैं रहने लूँ? अच्छा बोलो, तुम्हें तुम्हारा फेवरेट है ना वो वाला कुत्ता, वो कुत्ता है। हाँ ठीक बोला, उसने बना लिया ऑलरेडी, अर्श ने सही इनसे बनाया वैसे, कुत्ता भोगता है,
कुत्ते को एक है कि ज़्यादा? एक है कुत्ता, एक है तो उसको लिखेंगे, नहीं ज़्यादा है कि एक है? एक है कुत्ता भूखता है। डॉग सिंगुलर नाउन है प्लूरल? सिंगुलर। वी वन यहाँ लिख देते हैं बार, थोड़ा मेरा आर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया पहले वाले में, बस देख लो डॉग एक है, क्या लगेगा बाघ या बाग्स? अगर मैं यहाँ पे चेंज कर देता, मैं लिख देता डॉग्स, फिर बार्क आता या बाग्स आता? अच्छा तुम ऐसे भी देख सकते हो कि ज़्यादातर जो हमारे ऐसे अगर सब्जेक्ट नाउन है अगर उनमें ऐसे लगा तो इधर नहीं लगेगा, पर सभी में लगता नहीं वैसे प्लूरल नाउन्स में, जो चिल्ड्रन हो गया। तुम शायद मेरा पॉइंट नहीं समझ पाए, देखो ध्यान से, यहाँ नहीं लगा तो यहाँ लग गया, यहाँ लगा तो नहीं लगा, पर ऐसे भी याद नहीं करना है क्योंकि हर बार तो तुम्हारे नाउन्स होंगे नहीं, कई बार प्रोनाउन भी तो होंगे और हर एक नाउन में ऐसा नहीं लगता प्लूरल, जैसे कि चिल्ड्रन फिश, तो वहाँ पर वैसे मेन कंसेप्ट ही पता होना चाहिए तुम्हें, पर ऐसे भी याद कर सकते हो कभी कभी। अब मैं थोड़े मैंने नाउन्स के एग्जांपल बोल दिए, तुम मुझे बनवाओगे अभी, मैंने सारे एग्जांपल दिए हैं, तुमने एक भी नहीं एग्जांपल दिया ठीक से, तुम मुझे अभी प्रोनाउन्स के एग्जांपल दोगे। अच्छा नाउन सारे हो गए सिंगुलर प्लूरल बहुत सारे हो गए, प्रोनाउन में आई हो गया, ही हो गया, उसके अलावा कोई सब्जेक्ट नहीं हुआ, शी रहता है अभी, वही रहता है, यू रहता है, वो क्या रहता है, इट रहता है, दे रहता है। पहले हम ऐसे करते यहाँ पर लिख ही लेते कौन सी चीज़ के साथ क्या लगता है, राइट, फिर उसके बाद तुम मुझे एग्जांपल देना और उसको हम ट्रांसलेट करेंगे, तुम बातें बाद में कर लेना। सखियाँ सखियाँ ने मैनू मार दिया, बता रही मुझे भूल गया, मैं कौन सा सुनता हूँ डेली। अच्छा यहाँ लिख देते रूस, आई वी यू हो या दे हो तो उसके साथ लगा लो तुम लोग वी वन या वी फोर, वी वन पता लग रहा है ना, वी वन का क्या मतलब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ही हो ये तो गाने ही हो, ही हो ही हो इट हो तो क्या लगेगा, वी फोर। एग्जाम्पल प्ले, क्लियर है ना, इससे कन्फ्यूजन ना इसलिए लिख रहा हूँ, प्लेस एग्जाम्पल है इनका, यही सिर्फ वी फोर नहीं होते हैं बस एग्जाम्पल है। अब मुझे एग्जाम्पल तुम लोग दोगे वही का, यू का, दे का, शी का, इट का, पांच एग्जांपल दोगे फिर क्लास हम ख़त्म करेंगे। हाँ हमें मुझे सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि तुम्हें आ गया, वो चलो ठीक है। तो पहले देगा मुझे बच्चा एग्जांपल अर्श, अगर उसने एक बोल दिया सब्जेक्ट तो उसके बाद वो दूसरा रिपीट नहीं करेगा, तुम बोलोगे, तुम एक सच्ची बात भी बोल सकते हो या एक कोई ऐसी चीज़ बोल सकते हो जो रिपीटेडली होती है, ठीक है, ऐसा कुछ ता ता ती ती ते ते, ता ता ती ती ते ते, ऐसे शब्द होने चाहिए, करता हूँ, करती है, करते हैं, ऐसी चीज़ें वाह तेरे वो कहती है हम पढ़ रहे हैं, ये आएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तुम मुझे बताओ ये आएगा, क्यों नहीं आएगा, पढ़ रहे हैं। अच्छा ये आंसर है तुम्हारा, क्योंकि वो पढ़ रही है तो इसलिए नहीं आएगा, मुझे एक्सप्लेनेशन तो दो ना, क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा कर, क्यों पढ़ पढ़ना, तुम मुझे बोलो ना सर वो पढ़ रही है, ये रोज़ का थोड़ी है उसका, उसने ये थोड़ी बोला मैंने मैं पढ़ती हूँ, उसने मुझे बोला मैं पढ़ रही हूँ, मतलब अभी प्रेजेंट में हो रहा है, कल होगा कि नहीं पता तुम्हें, पता है वो कल करेगी कि नहीं ऐसा, अगर वो बोलती मैं पढ़ती हूँ, उसने बोला मैं पढ़ रही हूँ, हाँ प्रेजेंट में तो हो रहा है, पर ये रिपीटेड एक्शन थोड़ी है, मैं पढ़ रही हूँ, कल भी पढ़ेगी, परसों भी पढ़ेगी, ऐसा कुछ दिख रहा है उसकी बात में, नहीं ना, तो भी कैसे आ गया, तो अब कर रहे हो तो भी बोला कि तुमने। अच्छा बनाओ कोई एग्जांपल बढ़िया सर, ता ती ते ये लास्ट में सुनना चाहिए कहीं, वो खेलते हैं, चलो मान लेते हैं वो हर वह हर शनिवार बैडमिंटन खेलते हैं, वह हर
शनिवार। अभी हैबिचुअल एक्शन है या सच है? दोनों ही हो गया एक हिसाब से, सच भी है और एक हैबिचुअल एक्शन भी है, क्योंकि मैंने कहा था ये चीज़ बार बार होती है। वह हर शनिवार बैडमिंटन। हमने क्रिकेट फुटबॉल बहुत ले लिया। अब चिड़ी शिक्का, तुम भी चिड़ी शिक्का जैसे दिखते हो। वह हर शनिवार बैडमिंटन खेलते हैं। ये आज ने एग्जांपल दिया है, ये दिखता भी थोड़ा चिड़ी शिक्का जैसे। कॉम्प्लीमेंट था ये। वह हर शनिवार बैडमिंटन खेलते हैं। तेरी पीठ खराब हो जाएगी ऐसे, इसको ना जब भी ऐसे बैठेगा मुक्का मारना है इसका, ठीक है? इसको सीधा कर, इसको आगे कर, ये अंदर ही ऐसे घुस जाता है। तो जगह है ना बेंच के बीच में, अंदर ही चला जाता है पीछे का। अच्छा, मैं हर शनिवार बैडमिंटन खेलता है, ऐसा अर्श का ही एग्जांपल हो गया। अब मुझे बताओ सब्जेक्ट कौन है? वही है, यू है, दे है, शी है, इट है, दे है। तुम्हें कैसे पता लगा? वह, हाँ ज़्यादा खेलते हैं, पर कैसे पता लग रहा है? वह हर शनिवार बैडमिंटन खेलते हैं। अगर बोलता खेलता है तो क्या लगता? खेलती है तो खेलते हैं, तो एक से ज़्यादा लोग हैं दे। जब जिनकी बात कर रहे हो और वो एक से ज़्यादा हैं, अगर लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, और एक से ज़्यादा है तो दे। दे के साथ क्या लगेगा? अरे वी वन की वी फॉर पहले ये तो बताओ। वी वन लगेगा। और प्ले वी वन है या प्लेस वी वन है? प्ले वी वन होता है या प्लेस? प्ले। क्या खेलते हैं ऑब्जेक्ट? अच्छा, कब खेलते हैं? कहाँ लिखा मैंने शाम को? हर शनिवार। हर शनिवार को क्या बोलोगे? वेरी गुड, आज तो कमाल हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें ये टाइम समझ आएगा, सच बताओ तो। मैंने एक्सपेक्टेशन कम रखी थी कि मुझे, मैं डिसपॉइंट ना हो जाऊँ कि तुम्हारे कहीं चेहरे उतर जाए तो मैं ही ना कहीं नेगेटिव फील करूँ, पर तुम्हें आ गया समझ, मुझे खुशी है। सबको आ गया, तुम्हें नेगेटिव भी आ गया सोच रहे हो? वो फिर तुम्हारी गलती है। तुम्हें लग रहा है ना, अगर वही वीडियो देख रहा है उसको नहीं पता हम क्या बात करें। तुम्हें पता है कि कोई टेंस को हाँ में भी बोल सकते हो, ना में भी। वह फुटबॉल खेलते, बैडमिंटन खेलते हैं, और वह फुटबॉल, वह बैडमिंटन नहीं खेलते हैं, उसको नेगेटिव नकारात्मक भी बना देते हो। तो अगर तुम्हें लगता है यहाँ पर सिर्फ नोट लगेगा तो तुम भूल जाओ। किसी से सोच रहे हो ना यहाँ पर आगे पीछे कहीं पर मैं नोट लगा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आज नहीं मैं पढ़ाऊंगा, वो नेक्स्ट वीडियो में है, मतलब अगले लेक्चर में है। तो ये गलती मत कर देना अगर कोई देख भी रहा है। हाँ जी, मुझे पॉजिटिव समझ आ गया, मुझे नेगेटिव भी आ गया, मुझे इंटरोगेटिव भी आ गया। नेगेटिव है नहीं जैसा तुम सोच रहे हो कि यहाँ पर मैंने कहीं नोट लगा दिया यहाँ पर। ये पहली वाली कहानी नहीं होगी इस बार, तुम्हें पता लग जाएगा मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। तो फिर भी दिमाग ये मत रख लेना, ये मत सोचना कल छुट्टी कर लेंगे, हमें तो अब आ ही गया सर ने पॉजिटिव करा दिया, नेगेटिव भी आ गया। नेगेटिव और पॉजिटिव बिल्कुल डिफरेंट कहानी है, तुम्हें पता लग जाएगा मैं क्यों बोल रहा हूँ। तुम्हारे कल तोते उड़ जाएंगे? नहीं उड़ेंगे, वैसे मैं उड़ने भी नहीं दूंगा, मैं हूँ। चलो, दे वाला हो गया एग्जाम्पल, अब दे को रहने देते हैं। एग्जाम्पल हो गया हमारा, अब कोई मुझे नीति का एग्जाम्पल देगी? हाँ, मुझे नहीं बताया जाएगा, बनाओ कुछ तो। कोई भी ऐसी चीज़ बोलो जो तुम करते हो डेली, कुछ पार्ट तुम कुछ तो करते हो ना पूरे दिन में, कुछ भी जो। अरे नहीं, तुम नहीं बोलोगे, नीतिका ही बनाएगी आज। वो रोज पढ़ती है। चलो उसका पहले कर लेते करण का। वो बोलता है वह रोज पढ़ती है। अच्छा, अब क्या लगेगा सब्जेक्ट? शी क्यों लगा? क्यों नहीं लगा? शी, शी लगेगा, क्यों लगेगा? पढ़ती है, पढ़ती है, तो लड़की है। शी, शी के साथ क्या लगता है? पढ़ने को क्या बोलेंगे पहले ये बताओ। स्टडी, स्टडी या स्टडीज लगेगा? स्टडीज लगेगी, होगी बी फोर है। होशियार हो रहे हो तुम लोग। स्टडीज आगे एवरीडे। अच्छा, एक साथ लिखते हैं एवरीडे? नहीं, क्यों? बनती नहीं है। करण ने बोला बनती नहीं है उनकी, सही है वो। तुम लोगों की नहीं बात कर रहे, फिर उसको बोला कि एवरीडे के एक अलग अलग क्यों लगा, तो कहता बनती नहीं है।
शी हो गया। अब तुम हो गया तुम्हारा एग्जांपल रेडी? तीन रह गए। तुम्हें खाना नहीं बनाने का बोला मैंने, एग्जांपल बोला है। अच्छा घूमना नहीं, अगर तुम सैर करने को क्या बोलते हो उस पर एक एग्जांपल बना लो। हाँ हम हर रोज, चलो हर सुबह, सुबह करते हो ना तुम लोग, ये शाम को करते हो सच में? सुबह का कर लेते, शाम वाला एग्जांपल हो गया, ठीक है थोड़ा एडजस्ट कर लो। मैं जानबूझ के कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हें सुबह वाला शब्द नहीं करवाया ना कोई। हाँ ठीक बोल रहे हो। हम हर आगे क्या आएगा? अच्छा अपना एग्जांपल ही भूल गया। वाह आपके, वाह आपके। चलो सुबह करोगे तैयार की शाम को? चलो शाम ही ले लेते हैं। हर शाम क्या करते हो? सैर, वाक नहीं वोक बोलते हो उसको, वाक। कोई कथा नहीं सुनानी है? हम हर शाम सैर करते हैं, हमको क्या बोलोगे? हाँ वही बोलोगे, यू तो नहीं बोलोगे? ठीक है हमको बोलोगे वही। सब्जेक्ट हो गया, क्या लगेगा? वी वन या वी फोर? वी वन क्या वोक ही वोक्स? हाँ वोक्स वी फोर हो जाएगा और हमें पता वही के साथ तो वी वन लगता है। वही वोक कब? एस लगेगा, उसने बोला मुस्कान ने, एस लगेगा। एस तो लगेगा नहीं होगी, सॉरी वही के साथ लगेगा वी वन, और वोक ही तो वी वन है, वी फोर तो वोक्स हो गया। वही वोक एवरी कब? इवनिंग। अगर तुम्हें पता लग गया, अगर सुबह की बात होती तो एवरी क्या आ जाना था? मॉर्निंग। अगर हर दोपहर एवरी, एवरी हर शाम हर रात, वही वर्ड लगा दो यहाँ पर पीछे, वही हो गया। चलो इसको यू और इट रह गए, आपको कौन बना? अमस्कान नहीं नहीं खेलना कूलना बहुत हो गया, पढ़ना खेलना। चलो मैं ही दे देता हूँ। नहीं नहीं मैंने बोला तुम बहुत हंसते हो, मैंने बोला तुम बहुत हंसते हो, जब मैंने बोला तुम बहुत हंसते हो ये एक बार होता है एक्शन, उसका बार बार होता है, और जो बार बार हैबिचुअल एक्शन सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ गया। तुम बहुत हंसते हो, क्या बात है, तुम वो मुझे अच्छा लगता है पर तुम बहुत हंसते हो। क्या बोलूँ फिर? यू, तुमको तो यू ही बोलूँगा तुम्हें पता है। क्या लगाऊँ हंसने को, क्या बोलते हो? लोरी। क्या लाफ। ये लोरी बोल रहा है लोरी बोला तुमने क्या बोला अभी बता रहा हूँ मैंने पूछा हंसने को क्या बोलते हो तो कहता है लोरी लाफ। क्या कहना? लॉगिंग। कौन सा आईडी लॉगिंग करना तुझे? हाँ ठीक है ठीक है। ग क्या हो गया? अच्छा मेरा सवाल है, एक मिनट थोड़ा अलग अलग लिखता हूँ तो मैं स्पेलिंग कंफ्यूजन ना हो। एल ए यू जी एच लाफ आएगा या लाफ है? क्या लगाऊं, लाफ या लाफ? लाफ। क्यों? लाफ। क्या नौबत है? कहाँ गया है? कहाँ पर? कहाँ? यहाँ? नहीं। यहाँ? यहाँ? कहाँ गया? हाँ यू कैसा लगता है? वी वन। और वी वन क्या है? लाफ। यू लाफ अलोट, यहाँ एक साथ ही लिख देता हूँ, बहुत को बोल दिया मैंने अलोट। वेरी मच भी आ सकता है पर मैं यही रखूँगा, मुझे बोलने में ये सूटेबल लग रहा है। इट। चलो एग्जांपल मैं देता हूँ। चलो ठीक है इसका एग्जांपल। चलो हर्ष ने बोला है डस्टर, मुस्कान बच गई। अच्छा मुस्कान ने दे दिया एग्जांपल, ठीक है। डस्टर ब्लैकबोर्ड साफ करता है, पर डस्टर को डस्टर ना बोले, हम बोले यह ब्लैक बोर्ड साफ करता है।
यह किसको मैं इशारा कर रहा हूँ? डस्टर की बात कर रहा हूँ मैं, पर मैं डस्टर नहीं बोलूँगा, उसके लिए एक प्रनाउन यूज़ करूँगा, प्रनाम यूज़ करूँगा। यह वाइट बोर्ड साफ करता है। अच्छा, अब मुझे बताओ यह को क्या बोलोगे? इट भी बोल, वैसे दिस भी बोल सकते हो कई बार, अगर तुम्हारे दिमाग में आ रहा है इट दिस भी बोल सकते हो कई बार। मैं दिस भी तो बोल सकता हूँ, दिस थिंग, फिर भी हम इट लगा रहे हैं अभी के लिए एग्जांपल के लिए। इट क्लीन, साफ करने का बोलोगे क्लीन। और वी फोर बनाओ मुझे इसका, अभी वी वन है, वी फोर, क्योंकि इट के साथ तो ऐसा वाला लगता है वी फोर। इट क्लीन्स क्या? वाइट। अच्छा, एक चीज़ और एग्जांपल मैंने पूछना था तुम्हें, जब मैं ऐसे कर्सिव में लिखता हूँ टेढ़ा, तब से ही लगती है हैंडराइटिंग है, सीधा सीधा ऐसे ऐसे? सच में तुम्हें कैसा सही क्या लगता है, जब हैंडराइटिंग ऐसे सीधा सीधा खड़ा खड़ा लिखता हूँ या ऐसे आगे झुक कर? एक बोलो ना तुम्हें तो सभी तेरे, मैं वही चीज़ पे उसी में करूँगा ना फिर आगे से। हाँ, वैसे यहाँ मुझे सही लग रहा है, मुझे दूर से थोड़ा अजीब लगता होगा, आधा उसमें लिखा है, पहले इधर फिर सीधा फिर इधर। अच्छा अच्छा, अगर एक लास्ट एग्जांपल, अगर मैं बोलूँ, नहीं नहीं मैं एक चीज़ करना चाह रहा हूँ, देखो हर बारी एक्शन नहीं होगा, कई बार ना किसी की तुम विशेषता भी बता सकते हो, समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बोलूँ कि वह सुंदर दिखती है, अब ये उसका एक्शन भी नहीं है एक तरह से, ये उसकी विशेषता बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो कैसे दिखेगा? रुक जा जरा, सब्र कर ले। शी, चलो पहले ये लिख लूँ, वह सुंदर, मैं इतनी सुंदर हूँ तो क्या करूँ ये वाला हो गया ना, मैं इतनी सुंदर हूँ तो क्या करूँ क्या करूँ, वो बोलती है जिसकी बात कर रहे हैं, वह सुंदर दिखती है, तो मैं वह के लिए क्या लगाऊँ? ही की शी, शी दिखने को क्या बोलते हैं? हाँ वेरी गुड, लुक या लुक्स लगा दूँ? लुक्स, क्यों लुक्स? ऐसा हाँ, अगर मैं बोलूँ तुम सुंदर दिखते हो फिर क्या आ जाना था? यू, हाँ यही चीज़ है बस। मेन कन्फ्यूजन पता क्या है बच्चों को, जिन्होंने भी पढ़ा ना स्कूल में सिंपल प्रेजेंट टेंस, एक तो उनको पता नहीं कब यूज़ करते हैं, उनको पता ही नहीं है, मुझे नहीं पता था, मुझे समझ ही नहीं आया, चलो कोई होंगे जैसे हम होशियार, हम तो नहीं थे। और दूसरा ये होता था उनको एस और ई एस, ये बिनेस वाला कहाँ लगाना है? हाँ हमें भी यही बताया था, पर मैं इसलिए नहीं बताता हूँ कि बच्चे पूछ देते हैं सर आपका वाई कहाँ चला गया, आई एस को लग गया, और वैसे हो ये है भी नहीं है ओरिजिनली, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट भी नहीं है एस वाला, उन्होंने अपना ही बना लिया है, और ऐसे बताया नहीं कि इसके साथ क्या लगेगा, कहाँ पर एस लगाना है, एस या ई एस कहाँ लगाना है और कहाँ पर नहीं लगाना है, उनको यही नहीं पता मेन चीज़ कहाँ पर लगाना है और कहाँ पर नहीं लगाना है, ये एस वाला चीज़। ये क्लियर हो गया ना अब तुम्हें, जब ऐसे बताया वी वन और वी फोर की फॉर्म में, मैं पहले बता रहा हूँ वी फोर कुछ है नहीं ऐसा, ये मेरा अपना इजाद है, मेरी अपनी इजाद इन्वेंशन है। अच्छा, शी लुक्स कैसी दिखती है वो? ब्यूटीफुल। अगर मैं लड़के को बोलता, तुम कोई लड़की लड़के को बोलती तुम सुंदर दिखते हो तो क्या बोलती वो? यू लुक हैंडसम, ठीक है, बोलो वो तो सर भी लगते हैं बोलो वो तो सर भी लगते हैं वो जो दूर बैठे हैं वहाँ पर, मुझे लगता था, मुझे डर लगता था कि मुझे कैमरे के सामने मैं कैसा दिखूंगा जब मैंने फर्स्ट किया था, फिर मुझे लगा नहीं यार सही लगता है, दो तीन बार देख लो ना अपने आपको क्या है, अच्छे ही लगते हो आप, शुरू शुरू में डर होता है। ये वाला एग्जांपल मैंने इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पर विशेषता है, यहाँ पर कोई एक्शन नहीं है एक तरह से। अगर तुम बोल रहे थे मैं मुझे थकान हो रही है, या मैं बोलूँ मैं, जैसे तुमने बोला मैं नाराज़ हूँ या दुखी हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा? मैं दुखी को मैं को क्या बोलूँगा? आई, महसूस करने को क्या बोलते हो? फील, कैसे? सैड, अगर उदास हूँ तो। पर अगर मैं बोलूँ वह उदास है, ही फील रहेगा?
फील सैड, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ मैं भूखा हूँ, आई फील हंगरी, मुझे भूख लग रही है, आई फील हंगरी। उसे भूख लग रही है, ही फील हंगरी। तुम्हें भूख लग रही है, यू हंगरी। ऐसे कैसे लग गया, ऐसे कैसे लग गया तुम्हारा है? यू के साथ फील लगेगा। हम भूखे हैं, भूख लग रही है हमें, वही फील ही फील्स फील हंगरी। वह भूखी है, वो तो है ही भूखी, ही फील हंगरी। नहीं वह ये नहीं बोलूँगा वह भूखी है, वो हो जाता शी संगरी, उसे भूख लग रही है, महसूस हो रही है, शी फील संगरी। किट को तो होगा नहीं भूख, इसको क्या भूख लगेगी, इसको भूख लगेगी, इसको तो इनकी भूख है, एक चाहिए इसको। आज का लेक्चर इतना है, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें एक्सरसाइज भी करवाऊँगा तुम लोगों से, तुम्हारी हाथों से नोटबुक पर, प्यारे प्यारे हाथों से नोटबुक पर करवाऊँगा। और साथ में जो आज मैंने ये पॉजिटिव पर ख़त्म कर दिया है, इसको हम नेगेटिव में करेंगे नेक्स्ट क्लास में, सिर्फ नेगेटिव, इंटरोगेटिव भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने बोला नेगेटिव लग ही चीज़ है इसकी। आज हमने सीखा मैं पढ़ता हूँ, कल सीखेंगे मैं नहीं पढ़ता हूँ। हम फुटबॉल खेलते हैं, अगली क्लास में हम फुटबॉल नहीं खेलते हैं, आज के लिए इतना ही है। चलो थैंक यू, इतनी देर ध्यान से बैठने के लिए, पढ़ने के लिए।